प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या मसीही लोग लव मैरिज कर सकते? क्या लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई और लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया? क्या इस तरह से दोनों एक दूसरों को पसंद कर, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे किसी गार्डन में हो, कहीं पर भी दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और फिर उनके बीच में प्रेम हुआ और फिर उन लोगों ने शादी कर ली? क्या ये जो प्रेम विवाह है या लव मैरिज है, क्या मसीही लोग कर सकते? क्या एक मसीही लड़की मसीही लड़के से या मसीही लड़का मसीही लड़की से इस तरह से लव मैरिज कर सकते हैं क्या? चाहे उनके माता पिता सहमत हो जाए तो भी क्या इस तरह से परमेश्वर हमको इजाज़त देते हैं क्या? बाइबल में इस बारे में क्या लिखा है? क्या याकूब ने भी लव मैरिज नहीं की थी? सच्चाई क्या है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अब्राहम के बेटे इसाक और इसाक के बेटे याकूब, याकूब जो थे वो इसाक के बड़े बेटे थे। देखने जाओ तो पहले जो पैदा हुआ था वो था अदोम, मतलब कि एसाव, और ये दोनों जुड़वा बच्चे थे। याकूब और एसाव दोनों जुड़वा बच्चे थे, लेकिन माँ की कोख में ही उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के कारण जो एसाव था उससे याकूब को धक्का दे दिया और पहले वो पैदा हो गया। वैसे होने वाले थे याकूब पहले पैदा, लेकिन एसाव पैदा हो गए, इसलिए एसाव वो बड़े हुए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला कि याकूब मेरा पहलौठा बेटा है। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फिर क्या हुआ कि जब इसाक बूढ़े हुए तो वो आशीष देना चाहते थे, तो उन्होंने एसाव को बोला कि एसाव तू मेरे लिए शिकार कर और मुझे अच्छा खाना बना कर खिला और मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। उस वक्त जो रिबेका थी इसाक की पत्नी, याकूब की माँ, वो याकूब से प्रेम करती थी। उसने याकूब से आकर कहा कि याकूब मैं तुझे खाना बना कर देती हूँ, तो अपने बाप के पास जा और बोलना कि मैं बड़ा बेटा हूँ और तू वो आशीष ले लेना। और याकूब ने इसी तरह से आशीष ले ली। चलो हम इसके डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन याकूब ने कोई ठगी एसाव के साथ नहीं की थी और इसाक ने कोई ठगी में आकर या गलती में आकर उन्होंने याकूब को आशीष नहीं दी थी। लेकिन इब्रानी 11 और 20 वचन और वहाँ पर लिखा है विश्वास से इसहाक ने याकूब को आशीष दी। तो इसाक ने जो आशीष दी थी याकूब को वो पूरे होशो हवास में दी थी। याकूब ने वहाँ पर कोई ठगी नहीं की थी, लेकिन ये बात अलग है और आज का हमारा विषय कुछ अलग है और इसलिए मैं कुछ और बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। अभी जब एसाव को पता चला कि याकूब ने मेरी आशीष ली है, तो उसने सोचा कि मेरा पिता इसाक जैसे ही मर जाएंगे वैसे ही मैं याकूब को भी ख़त्म कर दूँगा। तो ये बात रिबेका ने सुन ली, तो उन रिबेका ने अपने बेटे को बुलाया, याकूब को बोला याकूब तू यहाँ से भाग जा और तू मेरे भाई के घर चला जा, यहाँ से निकल जा। तो याकूब वहाँ से भाग गए। जब याकूब वहाँ से भाग गए और रास्ते में रात हुई, तो रात में एक पत्थर लिया, तकिए की जगह पर रखा और याकूब वहाँ पर सो गए। वहाँ पर परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और बोला तू जा यहाँ से और मैं तुझे वापस इसी जगह पर मैं लेकर आऊँगा। तब याकूब ने उस पत्थर के ऊपर तेल डालकर उस जगह का नाम बैथेल रख दिया। बैथेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। और फिर याकूब अपने मामा के घर लाबान के घर वहाँ पर गए और बोला कि मैं आपकी बहन का लड़का हूँ।
अभी लाबा ने भी अपने भांजे को वहाँ पर रखा। अभी चलते चलते क्या हुआ कि लाबान की दो बेटी थी, बड़ी वाली थी लिया और छोटे वाली थी राहेल। अब ये जो राहेल थी वो याकूब को पसंद आ गई, याकूब उसको चाहने लगे, याकूब उसको प्रेम करने लगे और फिर याकूब ने उसके साथ शादी करना चाहा। तो याकूब ने अपने मामा से कहा कि मामा जी मेरी शादी आपकी बेटी राहेल से करवा दो। तो लाबान ने भी देखा इसके जैसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, सच्चा है, ईमानदार है, उसका परमेश्वर उसके साथ है, बोले करवा दो शादी। तो लाबान ने क्या किया, राहेल के साथ शादी करवाने के लिए याकूब को ऐसा कहा कि 7 साल अगर तू मजदूरी करेगी तो मैं तुझे मेरी लड़की दूंगा। अभी याकूब राहेल से प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने 7 साल मजदूरी की और ये दिन उनको बहुत कम लगे। अभी क्या हुआ, लाबान ने शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद जो पहली रात थी और याकूब और राहेल वो जब एक हो गए और जब सुबह उठे तो याकूब ने देखा ये तो राहेल नहीं है, ये तो बड़े वाली है लिया है। लेकिन अब क्या, उसके साथ शादी भी हो गई थी, उसके साथ वो संबंध भी बना चुका था, दोनों एक हो चुके थे। तो याकूब गए लाबान के पास, बोले मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ठगी क्यों मारी, मैं तो राहेल के साथ शादी करने को बोला था, बोले तूने लिया की शादी क्यों मेरे साथ करवा दी। तो लाबान ने बोला कोई बात नहीं, राहेल चाहिए 7 साल और मजदूरी करके राहेल पे दे दूंगा। अभी 7 साल और याकूब ने मजदूरी की और उसके बाद राहेल के साथ भी लाबान ने याकूब की शादी करवा दी। देखो काफ़ी पुरानी बातें हैं बाइबल में लिखी हुई उत्पत्ति में, लेकिन इस तरह से याकूब ने शादी की। याकूब को राहेल पसंद थी, वो राहेल से प्रेम करने लग गए थे, इसलिए राहेल के लिए जो 14 साल उन्होंने मजदूरी की ये 14 साल उनको ज़्यादा नहीं लगे और बहुत आसानी से उन्होंने 14 साल राहेल के लिए मजदूरी कर ली। क्या ये लव मैरिज नहीं है, क्या इसे लव मैरिज नहीं कहा जाएगा? परमेश्वर ने इस मैरिज को आशीषित किया या नहीं किया? और वही राहेल से जो लड़का हुआ सबसे पहला उसका नाम था यूसुफ। और देखो वही यूसुफ अपने 12 भाइयों में से सबसे अधिक थे, परमेश्वर को पसंद थे और परमेश्वर ने उसी यूसुफ को दुगुना हिस्सा दिलाया। तो क्या याकूब की शादी आशीषित नहीं हुई? क्या परमेश्वर यहाँ पर लव मैरिज से खुश नहीं हुए? इंसान लव मैरिज कर सकता है? क्या परमेश्वर लव मैरिज को आशीषित करते हैं? क्या सही में याकूब ने लव मैरिज किया था? ये बात क्या थी? चलो अब हम बाइबल से देखते हैं कि याकूब ने सही में किया क्या था। जब याकूब ने आशीष ले ली और जब एसाव ने याकूब को मारना चाहा तब रिबेका ने याकूब को वहाँ से भगा दिया, लेकिन उस वक्त इसहाक भी थे और इसहाक ने भी यही बात बोली कि याकूब तू यहाँ से तेरे नाना के घर चला जा और वहाँ उसका जो बेटा है मतलब तेरी मम्मी का जो भाई है लाबान उसके घर चला जा। और देखो मैं बाइबल से एक वचन आपको पढ़कर बताता हूँ और उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की से न ब्याह लेना, पदन नारा में अपने नाना बथुएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। ये तो याकूब को इसहाक की ओर से मिली हुई आज्ञा थी। याकूब को उसके पिताजी ने बोला था कि याकूब अपने मामा के घर जाना और उनकी एक बेटी से शादी कर लेना। तो ये शादी तय किसने की? ये तो इसहाक ने शादी तय की थी, याकूब ने कहाँ की थी? अभी याकूब को तो अपने पिता की आज्ञा मानना था, अरे वहाँ पर जाकर जो लाबान की बेटियाँ थी चाहे एक हो चाहे 10 हो, अगर एक हो तो चुनाव करने की कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो याकूब को चुनाव तो करना पड़ेगा। और याकूब ने वहाँ पर जाकर देखा तो दो लड़कियाँ थी, एक थी लिया
और दूसरी थी राहेल। बड़ी लिया थी और छोटे वाली थी राहेल। जो बड़ी थी उससे ज़्यादा राहेल खूबसूरत दिखती थी और इसलिए अपनी पसंद याकूब ने राहेल के ऊपर लगाई कि मैं राहेल से शादी करना चाहता हूँ। और याकूब ने अपने मामा से कहा कि मेरी शादी राहेल से करा दो। उसने राहेल से कुछ नहीं कहा, हाँ उसके सामने कोई इशारा नहीं किया, उसको अकेले में कहीं पर बुलाया नहीं, उससे मिला नहीं जुला नहीं, कोई गाना बाना नहीं गाया, जाड़ के इधर उधर घूम काम कर कहीं बाग में घूमने के लिए नहीं गए वो लोग। याकूब ने ईमानदारी से लाबान को बताया, राहेल से मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी करवा दे। ये अरेंज मैरिज था, इसहाक की ओर से अरेंज किया हुआ मैरिज, इधर राहेल के बाप से अरेंज किया हुआ मैरिज। याकूब ने राहेल के पास जाकर कोई नहीं कहा आई लव यू, कोई गुलाब का फूल नहीं दिया, ये कोई लव मैरिज नहीं था। परमेश्वर लव मैरिज को कभी भी आशीषित नहीं करते। माँ और बाप होते हैं और उनके घर में बच्चा पैदा हुए और माता पिता ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सिर्फ माता और पिता का काम है कि अपनी लड़की के लिए लड़का चुने और लड़के के लिए लड़की चुने, जिसे आप लोग लव मैरिज कहते हो ना, मैं उसको लफड़ा मैरिज कहता हूँ। लव मैरिज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, लफड़ा मैरिज है। आपको लफड़ा कैसे हो गया? और यार मैं तो प्रभु में विश्वास ही हूँ, मैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना कर लफड़ा किया है, विश्वास कर प्रार्थना कर लफड़ा किया, नहीं नहीं प्रेम किया। अरे प्रेम नहीं, वो लफड़ा ही एक। प्रभु उसने ऐसा कहा, जो मुझसे ज़्यादा किसी और को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। तो जब आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते थे तो लफड़ा कैसे हो गया? इतना प्रेम अगर परमेश्वर से करते थे तो किसी और के ऊपर निगाह कैसे गई? ध्यान से समझना, अगर आप लड़का हो तो भी और लड़की हो तो भी, अगर आप लड़का हो तो किसी लड़की के ऊपर आपने गलत निगाह डाली, क्या दिखती है? अगर आप लड़की हो तो आपने किसी लड़के के ऊपर गलत निगाह डाली है, हैंडसम है, हीरो जैसा है, अगर मुझे मिल जाए तो गलत निगाह डाली है, आपने उसको आकर्षित किया, उसने आपको आकर्षित किया, ये लफड़ेबाजी है, ये व्यभिचार की आत्मा है, कोई प्रेम प्रेम नहीं है। चाहे वो लड़का अच्छा था चाहे लड़की अच्छी थी, लेकिन परमेश्वर की निगाह में नहीं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो किसी भी प्यार वाले लफड़े में नहीं पड़ते, उसे सिर्फ और सिर्फ लफड़ा कहा जाएगा बाइबल की लैंग्वेज में, परमेश्वर की नज़र से। लेकिन आपकी नज़र से वो प्रेम हो सकता है। और फिर आपने अपने माता पिता को बताया, आप चलो भागने गए, अच्छा किया। दोनों लड़के लड़की ने अपने माता पिता को बताया और माता पिता ने देखा लड़का अच्छा है लड़की अच्छी है, करवा दो शादी, और माता पिता ने शादी करवा दी। फिर आप बोले तो अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज नहीं, ये लफड़ा मैरिज था। परमेश्वर इसको कभी भी आशीषित नहीं करते। याकूब ने राहेल के साथ लव मैरिज नहीं किया था। देखने से पहले, राहेल को देखने से पहले इसहाक ने बोल दिया था उसकी लड़की से शादी करनी है तो भी जाकर चुनाव तो करना पड़ेगा ना। अब कैसा होता है अरेंज मैरिज में, माता पिता वो लोगों को बोलते हैं मेरा लड़का है देखना है, उसके लिए लड़की देखना, लड़की के माता पिता लोगों को बोलते हैं मेरी लड़की है उसके लिए लड़का देखना, फिर कहीं से बातचीत आती है, फिर एक माता पिता एक दूसरे के माता पिता से बातचीत करते, फिर बायोडाटा एक दूसरे को देते, फिर दोनों को इकट्ठा करते हैं लड़की के घर में ज़्यादातर, और लड़का और लड़की को अकेले में बिठाया जाता है कि एक दूसरे के साथ बात करें और एक दूसरे को पहचाने, और अगर उनको पसंद आए तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये लड़की के बाप की भी मर्ज़ी है और लड़के के बाप की भी मर्ज़ी है, ये दोनों के माता पिता की मर्ज़ी, ये दोनों ने दोनों को इकट्ठा किया। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर अगर वो पसंद करते हैं और फिर आगे मैरिज होता है, इसको कहते हैं अरेंज मैरिज। माता पिता ने तय किया, लड़के लड़की ने पहले से तय कर लिया, फिर माता पिता को बताया, फिर माता पिता ने उसके ऊपर मुहर लगा दी, लेकिन वो लफड़ा मैरिज है और उससे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होते। ऐसा मत करो, शादी अपने माता पिता की मर्ज़ी से करो, उनको ही बोलो वो आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे, आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। बाइबल में कोई भी लव मैरिज नहीं है।